जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं करते तो उसका नेचर वेव की तरह होता है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वह पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्लिट के पास पहुंच चुके हों और जब वह स्क्रीन से टकराने ही वाले हों, तब हम उनको डिटेक्ट करें। इससे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को हम डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जब यह एक्सपेरिमेंट हुआ और जब हमने इलेक्ट्रॉन को जस्ट स्क्रीन से टकराने से पहले देखा तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिला। और क्योंकि ऑब्जर्वर स्लिट के पीछे है तो इलेक्ट्रॉन का एकदम से अपना बिहेवियर चेंज करना एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रॉन समय में पीछे जाए और अपने आप को उस कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई करे जैसा उसे ऑब्जर्वर देख रहा है। यानी कि यहाँ पर किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को इंटेलिजेंटली यह पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, और क्योंकि उनको अपना बिहेवियर चेंज करने का टाइम नहीं है इसलिए वह पास्ट में जाकर अपने बिहेवियर को ऑब्जर्वर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व कर रहा है तो उनका बिहेवियर पार्टिकल की तरह हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वह इंटरफेरेंस फ्रिंजेस शो करेंगे। यानी कि यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन्स को धोखा नहीं दे पाए। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं ही अविनाशी परमात्मा हूं, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही परशुराम हूं और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूं और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी। मैं ना पुरुष हूं ना स्त्री हूं और ना ही नपुंसक, मैं ना शरीर हूं ना शरीर के अंग हूं, मैं ज्ञान सृष्टि हूं चैतन्य और परब्रह्म, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट की। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लेजर बीम मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स को जनरेट करती है और फिर यह फोटॉन्स दो में से किसी एक स्लिट से पास हो जाते हैं, जिसको इस इमेज में रेड और ब्लू दो लाइन से दर्शाया गया है। अब आगे BBO यानी कि बीटा बेरियम बोरेट इन फोटॉन्स को दो इंटेंगल फोटॉन्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बस इनकी एनर्जी ओरिजिनल फोटोन से आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाती है। अभी यहाँ पर जो दो इंटेंगल्ड फोटोन हैं उनका नाम है सिग्नल फोटोन और आइडलर फोटोन। सिग्नल फोटोन वह है जो डिटेक्टर जीरो पर जाता है और आइडलर फोटोन नीचे की तरफ से डिफ्लेक्टर प्रिज्म पर जाता है। लेकिन सबसे पहले सिग्नल फोटोन डिटेक्टर जीरो पर टकराता है और हमको रिजल्ट बताता है। अब आगे आइडलर फोटोन को बीम स्प्लिटर से पास होना पड़ता है और यहाँ पर 50-50% चांस होती है कि वह रिफ्लेक्ट होगा या नहीं। अगर वो रेड स्लिट से आया होगा तो वह डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 4 कहीं पर भी जा सकता है रैंडमली, और अगर वो ब्लू स्लिट से आया होगा
तो वह डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2 और डिटेक्टर 3 पर जा सकता है और फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पर मिरर A और मिरर V हैं। तो अगर फोटॉन्स D3 या D4 से टकराते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि वो किस स्लिट से आए हैं, लेकिन अगर उनको D1 और D2 ने डिटेक्ट किया तो हम उनके रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तक सिग्नल फोटॉन्स पहले ही स्क्रीन से टकरा चुके हैं और वो अपना रिजल्ट बता चुके हैं। अब एक्सपेरिमेंट के एंड में यहाँ पर यह पाया गया कि जब जब फोटॉन्स को D1 और D2 ने डिटेक्ट किया तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला, लेकिन जब फोटॉन्स को D3 और D4 ने डिटेक्ट किया तो हमको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को नहीं मिला, केवल 2 लाइंस देखने को मिली। यानी कि जब फोटॉन्स को पता चला कि ऑब्जर्वर को यह पता चल चुका है कि वह किस रूट से आए हैं तो उन्होंने कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाया। और जब हम रास्ते के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है, यानी कि जब हमको नहीं पता चला कि वह किस स्लिट से आए हैं तो उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया। यानी कि यहाँ पर यह बात साफ है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आते हैं और अपने आप को ऑब्जर्वर की कंडीशन के हिसाब से चेंज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि जब आइडलर फोटोन को यह पता चलता है कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो इस समय तक सिग्नल फोटॉन्स पहले ही स्क्रीन पर टकरा जाते हैं, और वैसे ही जब आइडलर फोटॉन्स को यह पता चलता है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है और सिग्नल फोटॉन को स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाना है, पर सिग्नल फोटॉन्स तो पहले ही स्क्रीन से टकरा चुके हैं और फिर भी इतना धोखा देने के बाद वह इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाते जब कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा हो। और ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब टाइम ट्रेवल करके आइडलर फोटोन सिग्नल फोटोन को यह मैसेज दे कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है और इस बार उन्हें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाना। यानी कि यहाँ पर टाइम की डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन्स पास्ट में जाकर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सच में यह बात काफी वियर्ड है और क्वांटम फिजिक्स भी इसी तरह काफी अजीब है।